नमस्कार, विलसाई के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो ईएमआई मॉरेटोरियम से जुड़ा है, क्योंकि 31 अगस्त को ईएमआई मॉरेटोरियम की लास्ट डेट थी। अब ऐसे में जानना ये जरूरी है कि आगे क्या होगा इसका। इस बात को जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के मुश्किल दौर में आम आदमी को राहत देने के लिए ईएमआई में छूट यानी लोन मॉरेटोरियम की व्यवस्था लागू की गई थी। मंगलवार यानी 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार लोन मॉरेटोरियम के समय को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इस सर्कुलर के मद्देनजर केंद्र सरकार और आरबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम डिस्ट्रेस्ड यानी परेशानी वाले सभी क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया में हैं, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में हुए नुकसान के अनुसार अलग अलग लाभ मिल सके। सॉलिसिटर जनरल ने इस बात पर चर्चा करने के लिए एक और सुनवाई के लिए कहा है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सरकार अभी भी क्लियर नहीं की है। केवल और केवल सरकार के नए सर्कुलर में इतना ही कहा गया है कि ईएमआई मॉरेटोरियम को अगले 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब ऐसी क्या बातें हैं जिसे क्लियर नहीं किया गया? पहला ये है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होगा या नहीं। दूसरा, इसके लिए क्या योग्यता होगी, क्या एलिजिबिलिटी होगी, किन किन लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। तीसरा और अहम पॉइंट है ये कि क्या यह कोई सेपरेट स्कीम है या फिर ये लोन रीस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। आखिरी और सबसे मुख्य बात यह है, क्या बैंक इसके लिए सहमत होगी या नहीं। इन तमाम बातों को सरकार अभी क्लियर नहीं की है। ऐसे में देखना यह है कि अगली सुनवाई यानी 2 सितंबर को होने वाली सुनवाई में सरकार का इन पॉइंट्स पे क्या रुख रहता है। चूंकि इससे पहले अदालत ने केंद्र और आरबीआई को कहा कि मॉरेटोरियम के दौरान ईएमआई पर लगने वाले ब्याज को रिव्यू किया जाए, इसी बात पर बुधवार यानी 2 सितंबर को सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद तमाम जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। आरबीआई द्वारा मार्च में जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार बैंक और अन्य फाइनेंशियल कंपनियों द्वारा टर्म लोन ईएमआई के लिए 3 महीने की मोहलत दी गई थी, जो 1 मार्च से 31 मई तक के लिए था, जिसके बाद फिर से इसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया। आपको बता दें कि टर्म लोन ऐसा लोन होता है जो फिक्स समय के लिए होता है। टर्म लोन में व्हीकल लोन, होम लोन, पर्सनल लोन और कृषि लोन तथा फसल लोन जैसे रिटेल लोन शामिल होते हैं। 31 अगस्त को खत्म होने के तुरंत बाद ही यानी 1 सितंबर को आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी किया। इससे पहले लोन रीस्ट्रक्चरिंग की बात सामने आई थी। हालांकि सरकार के नए सर्कुलर को लेकर अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, यानी 2 सितंबर को होने वाले सुनवाई के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लोन की ब्याज दरें कम होंगी या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और भी हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार मॉरेटोरियम को अगले 2 साल तक के लिए बढ़ा सकती है। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।